मौदूदी साहब ने ख़िलाफ़त मलूकियत लिखी है और एक जगह बहस ये आई है कि सल्लल्लाहु अलैहि वम ने एक मुसलमान और एक ऐसा काफिर जिसके साथ अमन का माह हो चुका था कि तुम हमारी अमान में और तुम्हें कुछ नहीं होगा अगर उसे क़त्ल कर दिया जाए तो एक मुसलमान के कत्ल का जितना पैसा अदा किया जाए और उस माही का जिससे माहदा हो चुका है कि तुम हमारे मुल्क में रहो और अमन से रहोगे क्या ये दोनों बराबर हैं या कम ज़्यादा हैं इस पर मौलाना तहरीर फरमाया कि अजत मुआविया रजी ने यह किया कि उस काफिर के मतलब ये कहा कि उसकी दियत होगी और आधी दियत अदा करवाते थे और आधी खुद ले ली यानी फ़र्ज़ कर लीजिए लाख रुपया बनता था तो पचास हजार दे दिया अदालत वगैरह कचहरी जहाँ भी फैसला हुआ हुकूमत के पास और पचास हजार खुद ले लिया इससे शुभा पैदा होता है कि हस्ते माविया रजील्ला माली मामलात में गड़बड़ करते थे खैर पढ़ दी रख दी कोई पैंतालीस बरस होते होंगे इस वाक़े को तो ख्याल आया कि अच्छा बस ठीक है ये फरमाया ज़रा इसको देखें तो सही जब तहक़ीक उसकी शुरू की और अरबी की किताबें खोलें और सब कुछ देखते रहे तो मालूम हुआ कि रावी ने ये बयान जो किया है कि मुआविया ने रख ली मर्रखीन ने आगे उसकी तशरी कर दी उन्होंने कहा मुआविया ने उसे भी बैतलवा में उसे उसे बैत में दाखिल कर दिया यानी जो क़त्ल हुआ है जिसने किया है उसने एक लाख रुपया अदा किया तो पचास हजार तो उन्हें मिल गया जिनका बंदा था जिस कौम और फिरके से ताल्लुक रखता था खून बहा उधर अदा हो गया और मुआविया ने रख ली तो रख लेने का मतलब तो यह बैतलम में दाखिल कर दी अब आपने देखा कितना फर्क पड़ गया कि मुआविया रख लिया करते थे घर में रख लिया करते थे या बैतलमाल के लिए रख लिया करते थे तो बड़ा गहरा इल चाहिए बड़ा ठोस इल्म चाहिए